चोणा रैलियों के अकाली दल पंजाब नू बिजली सरपलस बनाउण नू अपनी सब तो वड्डी उपलब्धि के तौर पर गिणवा रहा है, पर लुधियाणा विच रैली दौरान उस वेले लाइट चली गई जदों रैली विच सुखबीर सिंह बादल भाषण दे रहे सन। इस तो कुछ देर पहला ही लुधियाणा के सालेम टाबरी इलाके विच उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल अपनी सरकार की 24 घंटे बिजली देने की उपलब्धि गिणवा रहे सन, जबकि थोड़ी देर बाद जदों सुखबीर बादल सुनेत पिंड विच रैली नू संबोधित कर रहे सन तब बिजली चली गई। काफ़ी देर तक मोबाइल की रोशनी विच सुखबीर सिंह बादल नू भाषण देना पिया। जनरेटर चलते होंगे सी, इनवर्टर चलते होंगे सी। 10 साल पहले असी थानू क्या बिजली आम आम कर देंगे, ते आज देखो ना कोई जनरेटर की आवाज सुनती है ना इनवर्टर रखने की लोड़ है, बिजली 24 घंटे है। ते हुण खबर पठानकोट तो, जिथे हलका भोआ तो बीजेपी उम्मीदवार सीमा देवी दे चोण जलसे विच मलेरकोटला बेअदबी मामले दे मुलजम दे शामिल होण ते सवाल उठन लगे ने। इस मामले च मुलजम नंद किशोर एक चोण जलसे विच नज़र आ रहा है, पर बीजेपी आगू इस तो अणजाण दस रहे ने। तस्वीरां च नज़र आ रहा है शख्स मलेरकोटला बेअदबी मामले च मुलजम नंद किशोर है, पर की सत्ता का जोर है कि शख्स जमानत से रिहा होने बाद चोन प्रचार च मशरूफ है। जनाब बीजेपी की भोआ विधानसभा हल्के तो उम्मीदवार सीमा देवी दे चोन काफले च शुमार ने। इकला नंद किशोर ही नहीं, दूजा मुलजम गौरव भी सियासी मैदान च सरगर्म है। जदों भोआ तो बीजेपी उम्मीदवार सीमा देवी तो सवाल किया गया तो यह सब तो अनजान नजर आए। असीं सभी सारिया धर्मां दा बराबर सम्मान करते हैं, और कोई व्यक्ति वैसे किसी कंपेन च शामिल हो गया तो मैनूं उहदी जानकारी नहीं है। जिक्र खास है कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के दिल्ली तो विधायक नरेश यादव तो भी पुछगिछ हुई सी। हुण सवाल जदों मुलजमां दे बीजेपी की रैली च शरीक होण ते उठे ने तां आम आदमी पार्टी भी निशाना साधन का मौका नहीं खुजाना चाहती। बीजेपी इस तरह के किसी भी दावे तो पल्ला झाड़ रही है, पर दिन चोणां दे ने तिन्हां तस्वीरां सामने आने तो बाद सवाल उठने लाजमी ने। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट।